तो फिर किस बात की दिक्कत है हमारे को? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत ऑफिस से होंगे। तो चलो चलते हैं, करेंगे आज का व्लॉग स्टार्ट। तो हम पूरे रात को सोए थे, तो अभी हम सुबह 7-8 बजे हम उठ गए नींद से, तो मुंह वगैरह तो धो लिया। तो अब हम रुक गए यहाँ पे खुर्जा, तो यहाँ पे तो बिरयानी खाना है, तो मैं खुद नहीं खाऊँगा, लेकिन मेरे साथ 2 गाड़ियाँ भी है तो उनको भी खिलवाना है। तो चलो फिलहाल बिरयानी खाएँगे, तो फिर बाद में हमारा सफ़र कंटिन्यू ही रहेगा। ये देखो भाई है बिरयानी वाला, इसकी भी YouTube चैनल है बिना बॉडी रखी। तो ये देखो भाई लोग यहाँ पे बिरयानी खाएगा। व्यास भाई ने सबसे पहले पकड़ा ये बिरयानी, ये है शकील व्लॉग्स का भाई है वो। देखो फारूक भाई कैसा लगा आपको बिरयानी? बढ़िया है, बहुत अच्छा। अच्छा कितना खाओगे? बस क्यों गर्म होता है ज्यादा? ठीक। तो ये देखो भाई बिरयानी क्यों, देखो फारूक भाई कितना तेज बिरयानी खाता है। और ये है फारूक भाई का खलासी। हाय सर, आप खा रहे हो बिरयानी? ये है और शकील व्लॉग्स का भाई है। हो गया भाई बिरयानी। हाँ इसको क्या करना है? पियो यार इसको। पीना है? हाँ। चलो ठीक है, ये अब्बास भाई है तो इसने कोक की बोतल लाया। तो बिरयानी तो हो गया, तो अब हम निकलेंगे अपने सफर पे। तो शाम तक मेरे ख्याल से पहुंचेंगे मंडी। फिलहाल तो हमारा सफर अभी कंटिन्यू है, तो हम पहुंच गए अलीगढ़। तो वैस भाई अपने काम पे लग गए हैं, सब्जी लाया आज प्याज और आलू। और यह मालिक बड़े खुशी से बैठे हैं ये। तो दोस्तों हम पहुंच गए सिकंदरा। तो यहाँ पे देखो कितना जाम है। पहला दानिश भाई मेरा इंतज़ार कर रहा था, वो कल रात को पूरे रात को चल रहा था, तो अब वो यहीं पे रुक गया, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। बस यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो अब यहाँ से इकट्ठे चलेंगे। तो यहाँ पे देखो दानिश भाई यहीं पे है। तो यहाँ पे ना मतलब कश्मीरी गाड़ियाँ सब रोकती है यहीं पे। यहाँ पे बिरयानी वर्मा मिलता है यहाँ पे। तो ये है दानिश भाई, और गाड़ियों की सर्विस भी होती है यहाँ पे। ये देखो दानिश भाई है। ये दानिश भाई कड़क देखो पीछे के अंदर है। ये देखिए चारों गाड़ी है, तो आप खाना खाएंगे यहाँ पे। ये भाई लोग है यहाँ पे, वो देखो फारूक भाई वहाँ पे है, अभी आएगा। तो ये है शकील भाई का भाई है। बस अभी खाना खाने को रुके हैं, और भाई सब खाना हो जाएगा। हाँ हाँ बस खाना खाएंगे अभी, ठीक है ठीक है। हाँ फारूक भाई आज टाइम पे आपको मैं खाना खिलवाऊँ? आज टाइम पे खाना खाएंगे बड़े मजे से, ठीक। आज बहुत मजा आ गया, बिरयानी भी खाए टाइम से। अच्छा खाना भी खाएंगे टाइम से, कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आज मेरे से हुई होगी? बढ़िया रोटी शोटी टाइम पे खा लिया, खाना भी बढ़िया खाएंगे अभी, ठीक। टाइम पे गर्म खाना है, ठीक। तो ये देखो आवाज भाई, ये है फारूक भाई का खलासी। हेलो दानिश भाई से पूछेंगे, उन्होंने खाना खाया। वो दानिश हो भाई खाना खाया आपने? तो खा लिया। खा लिया? बिरयानी खा ली यार। अच्छा चलो हम तो खाना खाएंगे, अगर खाना है तो आ जाओ। चलो
चलो ठीक है। के बाद कोई दिक्कत तो नहीं है, रोड यही है? बिल्कुल रोड इसको यही उतर के एक्सप्रेस पे चढ़ना है। बिल्कुल एक्सप्रेस, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया रोड है, बढ़िया रोड। फिर कौन सा टेंशन है हमारे को? कोई टेंशन नहीं, खाना खाओ आराम से, एक घंटा नींद करो, ठीक, तो फिर बाद में निकलेंगे। नहीं नींद क्यों करेंगे? अरे यार बढ़िया, जब रोड है तो फिर किस बात की दिक्कत है हमारे को? नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो, ये तो एक घंटे का मसला है। कौन सा एक घंटा? इसका हो गया आधा घंटा, एक्सप्रेस को हो गया एक घंटा। अच्छा बढ़िया यार, एक घंटा नींद भी करेंगे। भाई यहाँ से 300 किलोमीटर लखनऊ है तो डेढ़ घंटे बोल रहा है कि यहाँ डेढ़ घंटे का सफर है, डेढ़ घंटे का सफर है। तो स्पीड कौन सा रखेगा आप? 55 उससे ज्यादा नहीं। आज मैं शेर सुनाना चाहता हूँ अपने भाषा में, ठीक। सॉरी मुशराई हूँ, सॉरी मुशराई हूँ, मस्त मुड़ा बोल रहा हूँ। फिलहाल खाएंगे खाना यहाँ पे, तो ये देखो फारूक भाई कैसा प्लेट धोता है यहाँ पे। फारूक भाई खाना खाएंगे ना? जो पहले खाना खाएंगे, बैग में उठा के, ठीक है ठीक है। ये मस्त मुंडा भाई है, ये आलू खा रहा है। मस्त मुंडा भाई और फारूक भाई आपस में लड़ रहे हैं, किस बात पे? स्पीड की आलू पे, और स्पीड की वजह से आलू पे लड़ रहे हैं, आलू पे। मस्त मुंडा भाई को आरटीओ मिल गया था रोड पे, आलू सब 100 स्पीड की मस्त मुंडा भाई ने आरटीओ ने भी छोड़ दिया, बोलता है बेटा भाई खाना खाओ खाना। खाना तो हो गया हमारा भाई, कितनी बार खाएंगे दिन में? आप तो 3-4 बार खाते हो। हम ये ऐसा ही है क्योंकि कल फारूक भाई ने ऐसा बोला कि जैसा मतलब तो आज फिल्टर से क्या बोल रहा है कल फारूक भाई ने? पानी डॉक्टर बेमार शहर के मे इस्लामाबाद तम अब मस्त मुड़ा भाई मजबूर हो गया फारूक भाई को पानी देने के लिए। क्या बोल रहा था कल फारूक भाई? 3 बजे रोटी खिलाई मस्त मुड़ा भाई ने, ऐसे बोल रहा था जैसे झगड़ रहा था यार। बातें ऐसा करता, करता है उसका हल्का ही ऐसा ही है ना, जैसा ये किसी किसी के साथ लड़ रहा है। मस्त मुंडा भाई ये क्या बोल रहा है खुर्जा? हमें भी ईटा में है, ये बोल रहा है खुर्जा में ईटा में है, तो इसको बेचारे ये पहली बार आया है। अच्छा पहली बार आया है ये, ज्यादा दिल्ली में चलता है। अच्छा दिल्ली में चलता है ज्यादा, तो इसको डर नहीं लगता होगा यार ऐसे आरटीओ वालों से, क्योंकि उधर ज्यादा पंगा होता है ना, ज्यादा चलता है, ज्यादा पंगा होता है ना उधर ट्रैफिक वाले का। फारूक भाई तो ऐसे ऐसे चल रहा था, मुझे लगा फारूक भाई तो गया। चलो भाई हो गया खाना, तो अब हम निकल गए अपने सफर पे। फिलहाल रखेंगे अपना सफर कंटिन्यू,
तो अभी मैं मतलब एक दो घंटे नींद करूंगा, तो तब तक वयाज भाई गाड़ी चलाएगा। तो इस वक्त वयाज भाई गाड़ी चलाता है, ये देखो वयाज भाई इस वक्त गाड़ी चलाता है। तो अब मैं दो तीन घंटे नींद करूंगा, तो फिर उठूंगा, फिर मैं खुद ही चलाऊंगा गाड़ी। तो तब तक वयाज भाई गाड़ी चलाएगा। तो दोस्तों नींद तो हो गया, तो नींद तो एक दो घंटे तक किया हमने, बस अब चाय पियेंगे यहाँ पे। तो फिर अब गाड़ी खुद ही चलाएंगे, क्योंकि आगे सिंगर रोड आ गया, तो फिर लखनऊ एक्सप्रेस आएगा, तो फिर उसी को चढ़ना है। तो पहले चाय पियेंगे, तो फिर बाद में जाएंगे। ये वयाज भाई गया दूध लाने के लिए, दूध लाने गया। चाय वगैरह तो हो गया, तो बस अब हम निकल गए अपने सफर पे। तो फिलहाल तो ये जो सिंगर रोड जो है, ये कम से कम 10-15 किलोमीटर है सिंगर रोड, फिर आगे जाके मतलब लखनऊ एक्सप्रेस आएगा। तो फिलहाल रहेगा सफर कंटिन्यू। तो दोस्तों हम पहुंच गए लखनऊ एक्सप्रेस पे, तो ये है टोल प्लाजा लखनऊ एक्सप्रेस का। क्या एंटर है हमने, तो ये देखो कितना अच्छा रोड है, ये बिल्कुल टॉप और टॉप चलेगा इसको गाड़ी। पिछले चक्कर मैंने वो आजल भाई को भेजा ना ड्राइवर, तो इसने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। तो अभी मैं आपको उसका भी वीडियो भी दिखाऊंगा, तो उसका वीडियो मुझे मिल गया, तो उसने बहुत तो चलो चलते हैं, करेंगे आज का व्लॉग बंद। तो अब देंगे आज फारूक भाई इजाज़त इस व्लॉग का, भाई इस व्लॉग का एंड करो क्योंकि अपलोड भी करना है। थैंक यू, बहुत बढ़िया, आज मजा आया। अब हम चढ़ गए एक्सप्रेस पे, लखनऊ एक्सप्रेस ठीक, अब बढ़िया। अब यहाँ से निकलेंगे हम लखनऊ के लिए मंडी। बस यहाँ से 150 किलोमीटर है लखनऊ तक, तो सुबह इंशाल्लाह रहमान मतलब पूरे लखनऊ को घूमेंगे। बिल्कुल घूमना है, नहीं जाना है, घूमने के लिए जाना है कल दिन के लिए, पूरा दिन बिल्कुल। तो चलो पूरा दिन कल दिखाएंगे हम कहाँ जाएंगे। ठीक है ओके जी, तो चलो चलते हैं, करेंगे आज का व्लॉग बंद। तो दीजिए इजाजत अपने मस्त मुंडा व्लॉगर्स को, खुदा हाफिज़, बाय।